Hey guys, welcome to Chetan Tech Tips guys. आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि YouTube के सब्सक्राइबर आप किस तरीके से हाइड कर सकते हो. गाइज, हाइड करने से मेरा मतलब है वो दूसरे लोग को जो है डिस्प्ले नहीं होंगे. अगर आप अपने YouTube चैनल पे जाओगे तो आप ही को जो है वो सब्सक्राइबर डिस्प्ले होंगे. आपने बहुत सी वीडियो देख ली होंगी किस तरीके से हाइड करें. आपको समझ में नहीं आया है या फिर आप इस वीडियो में आए हो तो यार आपका सॉल्यूशन जो है पक्का है. ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन जो है पक्का है. ठीक है, क्योंकि यार इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ. तो यार बिना देर करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करेंगे. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन मिलकानी और आप सभी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल चेतन टेक टिप्स. जल्दी से चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और समझ लेते हैं किस तरीके से करना है. तो यार फाइनली आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, तो आपका काम जो है हो जाएगा. ठीक है, तो यार कुछ नहीं करना है. देखिए, सिंपली यूट्यूब पे जाना है और अपना जो है अकाउंट वहाँ पे जैसे कि आपने बना रखा होगा, यहाँ पे देखिए लोगो आता है ना जहाँ पे ऊपर पे, आपने जो है यहीं पे क्लिक करना है. ठीक हो गया. उसके बाद यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है. देखिए, जब आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, डिस्क्राइब द इशू करके आएगा, यूआर इशू करके आएगा. तो आपने यहाँ पे लिखना है सब्सक्राइब काउंट. ठीक है, स्पेलिंग सही से लिख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा. ठीक है, सब्सक्राइब काउंट लिखना है. उसके बाद आपने कर देना है इसको सर्च. यार स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. देखिए, सबसे पहले वेबसाइट खोलनी है, ऊपर से देखिएगा सब्सक्राइब काउंट लिखा होगा उसमें खाली. ठीक है, इसको जो है आप ओपन करोगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा. अब यहाँ पर से देखिए यार, आपके सामने शुरू में देखोगे यहाँ पे YouTube स्टूडियो लिखा होगा. इस जगह पे देखिए, यहाँ पे स्टूडियो YouTube स्टूडियो लिखा होगा. आपने सिंपली जो है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है. उसके बाद देखिए जस्ट वन क्रोम से खोल लेना है. ठीक है, आपके उसमें क्रोम ब्राउजर होता ही है तो क्रोम से खोल लेना है. देखिए, ऐसा आसान तरीका किसी ने नहीं बताया होगा. एक सब्सक्राइब तो जरूर से बनता है. ठीक है, तो यार आगे जानते हैं. देखिए, जितने अकाउंट होंगे इस तरीके से आ जाएंगे. मेरे पास दो हैं तो आ रहा है, शायद आपके उसमें ना आए, तो जिससे आपकी जो है आईडी बनी हुई है उसको चूज करना है. उसके बाद देखिए इस तरीके से ऑप्शन आएंगे. देखिए ऐसा आएगा तो नीचे यहाँ पे देखिए क्रिएटर, देखिए क्रिएटर टू कंटिन्यू टू स्टूडियो इस तरीके से आएगा. ठीक है, कंटिन्यू टू स्टूडियो करके आपने जो है इसमें क्लिक कर देना है. कंटिन्यू टू स्टूडियो करने के बाद देखिएगा यार आपके सामने इसमें थोड़ी सी देखिए टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा नेट स्लो है, मैंने कट कर दिया. तो ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा. देखिए यार, आप समझने वाली बात है, ये यहाँ पर समझ गए तो ठीक हो गया, पूरा आपका काम बन जाएगा. ठीक है, ध्यान से देखो वीडियो को, शुरू से लेकर लास्ट तक देखो. ठीक है, तो यार यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं. देखिए ध्यान से समझाऊंगा, बड़ी प्यारी तरीके से समझाऊंगा. ठीक है, समझ में आएगा गारंटी से. ये देखिए यहाँ पे सब्सक्राइबर का जहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपने सिंपली जो है यहीं पर क्लिक कर लेना है. उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ. आपको देखिए यहाँ पे चैनल का ऑप्शन मिलेगा. ये देखिए यहाँ पर इस जगह पे जो है आपको चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा. तो आपने क्या करना है, इसी चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है. ठीक हो गया. उसके बाद देखिए यहाँ पे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा. तो आपने क्या करना है, इसी एडवांस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है. उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा सब्सक्राइब काउंट करके, जहाँ पे देखिए डिस्प्ले करके टिक लगाया हुआ है ना. आप जो है जैसे कि इसको टिक को हटाओगे और नीचे से सेव कर दोगे तो आपके सब्सक्राइबर जो है हाइड हो जाएंगे. ठीक हो गया. यहाँ पर से देखिए, यहाँ पे सेव करने का आएगा, यहाँ पर से सेव कर दोगे. पर मगर यार मुझे अपने सब्सक्राइबर हाइड नहीं करने. देखिए आप, मेरे सब्सक्राइबर शो हो रहे हैं तो इसलिए मैंने जो है इसको टिक को फिर से लगा के मैं इसको सेव कर दूंगा. ठीक हो गया. अगर आप हाइड करना चाहते हो तो टिक को हटा के सेव कर दो. ऐसा वीडियो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है. और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.